दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा। ट्रैवल करेंगे तो देखते हैं अभी एयरपोर्ट पे क्या क्या कोविड की रिस्ट्रिक्शन है। कुछ हमने मंगवा लिया अपना ब्रेकफास्ट। प्रतीक भैया, ये है हमारे प्रतीक भैया, ये भाभी और ये रीत अपू, और ये हमारी अपू। हमने खा लिया, खाना बहुत ही अच्छा था। अभी पूछ ले। हेलो एंड वेलकम बैक टू बुलेट टाइगर गाइस। आज है 2 अप्रैल और हम जा रहे हैं अपनी नई डेस्टिनेशन गोवा की तरफ। तो अभी तक कोई स्केड्यूल नहीं है, जैसे आपने हमारे ऋषिकेश के व्लॉग्स देखे थे, कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं था। जैसे जैसे हम एंजॉय कर रहे थे वैसे वैसे हम आपको दिखा रहे थे। तो अभी हम फिलहाल कैब में हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ एक और फैमिली इस बार गोवा ट्रिप पे जा रही है। मेरे भैया हैं जो मेरी वाइफ के ब्रदर हैं, वो प्रतीक भैया और उनकी फैमिली में, उनसे भी आपको अभी एयरपोर्ट पे पहुँच के मिलवाऊंगा। तो मज़ा आने वाला है, गोवा हमेशा से मज़ेदार रहता है। ये मैं शायद 5वीं 6वीं बार गोवा जा रहा हूँ, बट उससे पहले ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो इस बार आप वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं हम आपको हम क्या क्या मस्ती करते हैं आने वाले एपिसोड्स में। तो जब से COVID-19 आया उसके बाद आज फर्स्ट टाइम हम एयर ट्रैवल करेंगे। तो देखते हैं अभी एयरपोर्ट पे क्या क्या कोविड की रिस्ट्रिक्शन है। कुछ भी अगर न्यू रिस्ट्रिक्शन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए तो आपको एयरपोर्ट पहुंच के एक बार बता देंगे। तो आप भी अगर अपना नेक्स्ट ट्रैवल प्लान करो तो उसको ज़रा टेक केयर करना, उसका ध्यान रखना। तो बस अभी एक्साइटमेंट यहाँ तक आ गई है, गोवा पहुँचते हैं फिर देखते हैं एक्साइटमेंट का क्या बनता है। तो जी, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और अगर आप कोविड के बाद बहुत टाइम बाद फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ आप टाइम से आ जाओ, एटलीस्ट 2-3 आवर्स बिफोर, 2-3 घंटे पहले आ जाओ आप, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है बाहर। तो आप टाइम से आइए ताकि आपकी जर्नी सफल हो जाए। तो चलिए काउंटर पर चलते हैं, अभी अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। वैसे हमने ई बोर्डिंग पास ले लिया है, बट फिर भी लगेज वगैरह रख देते हैं। तो अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया और हम आ गए हैं प्लाजा लाउंज में। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है या मास्टर कार्ड है तो आप इसमें चेक इन कर सकते हैं। और हमने मंगवा लिया अपना ब्रेकफास्ट, तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम करेंगे अपनी फ्लाइट बोर्ड। सो गाइज, अभी ब्रेकफास्ट डन, अभी प्रतीक भैया आ गए हैं, भाभी आ गए हैं, अप्पू आ गए और रीत आ गए, मैं आपको मिलवाता हूँ। प्रतीक भैया, ये है हमारे प्रतीक भैया, ये भाभी और ये रीत अपू, और ये हमारी अपू। अपू कैसा लगा, एक्साइटेड हो गोवा जाने के लिए? तो क्या क्या प्लान्स हैं गोवा के? बहुत सारी बीचेस को एक्सप्लोर करने हैं और बहुत सारा खाना खाना है। ऑलराइट, ओके, रीत से पूछते हैं। रीत, अब गोवा जाके क्या करोगे? स्विमिंग पूल में नहाती रहूंगी। बस स्विमिंग पूल में नहाते रहोगे? तो देखिए, बच्चों की भी एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड होने का और उसके बाद हम गोवा जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट के नज़ारे।
सो जी, हम लोग अभी गोवा पहुंच गए हैं। फ़्लाइट हमारी ऑन टाइम थी, कुछ दो घंटे ढाई घंटे की एक्चुअली फ़्लाइट थी और ऑन टाइम फ़्लाइट है। और गोवा का टेम्परेचर दिल्ली से थोड़ा बेटर है, 32 डिग्रीज है, थोड़ा हवा है, तो गर्मी उतनी नहीं है जितनी दिल्ली और गुड़गांव में है। तो अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं कैलंगुट एरिया में, तो रास्ते में रुक के कुछ लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे। तो अभी कुछ खाने पीने के लिए हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no... So guys, अभी दोपहर के बज रहे हैं, कुछ 4 बज गए हैं। बहुत तेज भूख लगी है, हमने सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लाउंज में खाया था। अभी हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट, ये देखिए नवरत्ना, नवरत्ना वेज रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर जाएंगे आगे अपने होटल की तरफ। तो जी, खाना खा लिया, पेट फुल, काफ़ी अच्छा खाना था। अभी आज 2 अप्रैल है, नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने खाया है फुल वेजिटेरियन फूड। सो दिस इज़ आवर रूम at Ibis Hotel Kalangut. And this is the washroom. तो ये है जी हमारा आईबीस होटल का बालकनी, कैलंगुट पे है ये होटल। होटल बहुत अच्छा है। अभी हमने चेक इन कर लिया, टायर्ड भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको शाम को मिलेंगे हम। तो हम लोगों ने अभी चेक इन कर लिया है आईबीस होटल में। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे पूल साइड, और यहाँ पे इनका बार है और रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये डांस प्रोग्राम कितने अच्छे से देख पाएंगे। कल कोशिश करूँगा आपको ये पूरा होटल कंपाउंड दिखाने की कोशिश करूँगा और पूरा होटल दिखा दूँगा आपको। तो फिलहाल हम इंजॉय करते हैं म्यूज़िक और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। तो जी, अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग अभी डिनर करने थोड़ा मार्केट में आए हैं गोवा की कलंगुट
मार्केट में, और हम आए हैं अभी, आपको दिखाता हूँ, डिनर करने, क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो हम आए हैं श्री कृष्णा रेस्टोरेंट। यहाँ का साउथ इंडियन, वेज, चाइनीज़, जैन सब कुछ मिलता है आपको चाहिए हो तो बट कल होटल भी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे ये होटल में हमारे क्या क्या है। तो अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, आज जल्दी सो जाएंगे और फिर कल हम शुरू करेंगे मेन गोवा घूमना। तो अभी खाते हैं हम लोग खाना, मिलेंगे आपसे बाद में। तो अभी डिनर डन हो गया है, अभी हम लोग रूम पे वापस आ गए हैं और आज सच्ची बहुत थक गए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे थे और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल देखना था फ्लाइट पे, तो थोड़ा एयरपोर्ट पे जल्दी चले गए थे। बट ठीक है, अभी खाना खा लिया है, खाना बहुत टेस्टी था जो मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखाया था। तो अभी सोने जा रहे हैं और फिर सुबह कल बीच, या कल देखते हैं क्या प्लान होगा। वैसे बीच तो जाना ही है, गोवा में है। तो आज के लिए गुड नाइट करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे कल। तो बाय।